इसको खाना चाहता है ये, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं ग्रीन कलर का जो होता है, ये देखिए, पता नहीं याद नहीं मुझे नाम, पर ये इसको खाना चाहता है, इसको आने नहीं दे रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं खुशी? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर, हाँ इसको खाने के लिए आ रहा है ये, देखो इसको भगा रही हूँ, फिर से आ रहा है। बस नो नो, ये हमारे यहाँ के कुत्ते हैं गंदे, सुनते ही नहीं है कुछ, भगा दो इसे तो। देख कैसे रहा है? उड़ नहीं पा रहा है शायद, ये मुंह में पकड़ रहा है इसको। चल उधर, मयंक खेल रहे हैं। खुशी मयंक, खुशी आए, मयंक आए, मयंक आए। और आसमान देखिए कैसे ऊपर, दो दिन से तो बहुत बारिश हुई है यहाँ पे, तो सुनेगा नहीं। देखिए बबूर आसमान, चलो तक बता दीजिए श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? और अभी रात का टाइम हो रहा है 8 बजे अभी, और मेरा खाना भी बन गया है, आलू भिंडी की सब्जी बनाई है, और दोपहर को मैंने बनाए थे बैंगन बनाए थे। और मौसम देखिए पीछे कैसा लग रहा है, है ना? ये परेशान कर रहा है, ये कौन आया, दूसरा आया? ये तो इन पपीज की मम्मी। अल्ले, ये बच्चों की मम्मी जो हमें वहाँ खोली में रखे हैं बच्चे उठा के। तो बारिश यहाँ पे अच्छी खासी हुई है दो दिन से, आज सुबह से नहीं हुई है, दो दिन से हो रही थी। और मैं, मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे, मैं डाल ही नहीं रही हूँ ब्लॉग, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, क्या करें ब्लॉग डाल के, कितनी मेहनत से बनाते हैं पर कोई व्यूज़ भी नहीं आते हैं, ना कुछ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने 4-5 दिन से ब्लॉग नहीं डाला था। तो अभी सोचा आज डाल दूँ। और हर जगह बहुत तेज़ बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में तो बहुत बुरा हाल है बारिश का, वहाँ पिछले साल भी बारिश हुई थी तो बहुत नुकसान हुआ था हमारे यहाँ महाराष्ट्र साइड, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणा, हमारे कोल्हापुर का। तो मुझे फ़ोटोज़ भी आए हैं, मेरे घर वालों ने भेजे हैं, वहाँ पे मतलब इतना पानी भर गया है, अंदर दुकानों के अंदर पानी चला गया है, इतनी बारिश हो रही है कंटिन्यू बारिश। तो इसलिए आप जहाँ पर भी हो सेफ रहो, अपना ध्यान रखो, और बीमारी में फिर कोरोना फैलेगा और बीमारियाँ फैलेंगी, तो इससे सेफ रहना और अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, क्योंकि बारिश बहुत ख़तरनाक हो रही है वहाँ पे। तो इसलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे कि भाई क्या डालूँ मैं, रोज़ रोज़ ब्लॉग को मतलब देखता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, तो अच्छा ही नहीं लगता है कि भाई कुछ करें हम, इतनी मेहनत करें, आज तक ढाई साल हो गए हैं मुझे, 2.5-3 साल पर कोई रिजल्ट ही नहीं है, तो इसलिए मेरी इच्छा नहीं होती है फिर कभी ब्लॉग डालने की। उड़ नहीं पा रहा है ना? उड़ नहीं रहा है ये, उड़ तो पास है, अच्छा खासा है, हेल्दी हेल्दी। वो किसके पेट में जाने का इंतजार कर रहा है? बैठ के ऐसी थोड़ी हवा क्या आ जा रही है, ऐसे जा रहा है। ये खड़ी है यहाँ पे मारने के लिए इसे, बाहर अच्छी हवा है पर घर में ना बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और पूजा वूजा भी हो गई, शाम की अगरबत्ती भी हो गई, सब हो गया, बाहर अच्छा लग रहा है। हाँ, खाट वाट हो यहाँ पे, कुर्सियाँ और चेयर लगा के बैठ जाए, देखिए कितनी मस्त हवा है बाहर। तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरे ब्लॉग को भी थोड़ा प्यार दीजिए, आपको जैसे मतलब क्या चाहिए ब्लॉग में देखना तो मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूँगी वो चीज़ मतलब लाने की ब्लॉग में अपने। पर प्लीज़ मुझे भी, मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि 2.5-3 साल से मैं भी मेहनत कर रही हूँ पर कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है किसी चीज़ का। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, दीप्ति शर्मा के नाम से है, ठीक है? और मैं आपको अभी कोल्हापुर के, हमारे हमारा कोल्हापुर है ना, वहाँ की क्लिप दिखाती हूँ आपको, कैसी बारिश हुई है और कितना पानी भरा है, तो प्लीज़ आप देख लेना। या टेडी, अरे है हमारे डॉगी, देखिए टफी, देखिए इतना अच्छा मौसम है बाहर, हवा चल रही है पर अंदर ही बैठेंगे ये, है ना टफी, टेडी टफी, हाँ आह, देखिए देखिए, बस हो गया हो गया, नाखून नहीं नाख, रोजी रोजी, हाँ रोजी, हाँ
हाँ ये नाखून मारो मारो नाखून, देखिए पैरों में नाखून, इसके नाखून देखिए कितने बड़े हैं, ये देखिए नाखून टफी के। पगली और रोजी पगली, अब पगली और रोजी पगली, जिम्मी पगली, आ आ क्या अंगड़ा ही आ है ये देखो तो। चलिए आप कोल्हापुर वाले देखिए बारिश का, मैं दिखाती हूँ। नमस्कार, संध्याकाळचे 4 वाजले 25 जुलै, राधानगरीचे 2 दरवाजे खुले झालेले आहेत, 3 आणि 6 नंबर, आणि यामधून आता भोगावदी नदीपात्रात 2800 क्युसेकचा विसर्ग सुरू आहे। नदीकाठच्या लोकांनी दक्षता पाळायची आहे। पाऊस चालू आहे, पाऊस आला लवकर, पांगेची बातमी येणार आहे टीव्हीला। होय आणि मागे एवढं आडवं टाकले आणि कशाला आला असेल, पाऊस आता वाटलं का पाणी आणि येणार आहे मग त्या दाबते पाणी ट्रकामुळे आता आम्हाला दाबत नाही। टाकायचं बघ, टाकायचं बघ, हा आपलं घालून